मलतुर राय जी का प्रणाम स्वीकार करें। ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया जादू लेकर के आया हूँ। सबसे पहले वो जादू मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले जादू की तरफ चलते हैं। ये एक नॉर्मल डक है दोस्तों। सबसे पहले इसको मैं पीस लेता हूँ। अब इस कार्ड का टॉप कार्ड कौन सा है देख लेते हैं दोस्तों। हुक्म का इक्का है, हुक्म का इक्का अभी मैं यहां पर रख देता हूं। अभी ये कार्ड मैं यहां रख दिया, थोड़ा सा कार्ड को उठा लेता हूं और हुक्म का इक्का को लेकर के आगे फेंक देता हूं। हुक्म का इक्का पान का गुल्ला बन चुका है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं हुक्म का इक्का का क्या हुआ। हुक्म का इक्का यहां पर उल्टा पड़ा हुआ है। अब दोस्तों इसके बीच में से मैं कोई एक कार्ड निकाल देता हूं। ये कार्ड को मैं लेकर के ऊपर रख देता हूं। अब देख लेते हैं वो कार्ड कौन सा है। पान का दुक्की है दोस्तों। पान का दुक्की मैं वहीं पर रख देता हूं जहां से उसको उठाया था। पान का दुक्की यहां पर आ गया दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तीन ऑप्शंस आएंगे जिसमें ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो जादू की रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो आइटम दिखाया था उसके लिए कार्ड को इस तरह से पीस लीजिए और टॉप कार्ड निकालना है इसका। उससे पहले आपको इस अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से इस तरह से दो कार्ड को अलग कर देना है ऐसे, और ये पिंगी फिंगर को यहाँ ला कर के छोड़ देना है। ये थोड़ा सा उठा रहेगा यहाँ से। अब टॉप कार्ड को निकालना है, इसे दिखाना है। चीड़ी का गुल्ला है। अब इसको दिखाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे रख देना है। अब इसको यहाँ पर रखना है नीचे, तो रखते समय क्या करना है, इसको ऐसा उल्टा करना है। उस टाइम पर इस कार्ड को पीछे खींच लेना है और इसको इस उंगली से नीचे रख देना है। जो सेलेक्टेड कार्ड यहाँ पर आ गया और ये उल्टा है। अब पूरा डक को इस तरह से आधा लेकर के ऐसा नहीं करना, इसी तरह से रख करके ऐसा काट दीजिए और तुरंत नीचे रख दीजिए। किसी भी जगह से थोड़ा कार्ड को उठा करके, ये ऑडियंस की तरफ से चीड़ी का गुल्ला है, इसको आगे ऐसे फेंक दीजिए। ये बदल कर चीड़ी का अट्ठी बन गया होगा। अब इसको ऊपर रख दीजिए। अब चिड़ी का गुल्ला कहाँ है वो देखना है। इसको इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए, वो यहाँ पर उल्टा पड़ा होगा।
अब अगला जो जादू था उसके लिए इस तरह से पीस लेना है कार्ड को, और इसको इसे फैला करके कोई एक कार्ड को आगे कर देना है इस तरह से, और आगे करते ही यहाँ से एक कार्ड को थोड़ा सा ऊपर उठा करके पिंगी फिंगर लगा करके रख देना है। इसको इस उंगली के पिवट लगा करके इसे घुमा करके, अभी दिखाना नहीं है, ऊपर रख देना है। ऊपर रखने के बाद दोनों कार्ड को साथ में उठा करके इस तरह से उठा करके दिखाना है। गेंद का दुक्की है, इसको इसे ऊपर कर दीजिए। अभी क्या है, डबल कार्ड होने की वजह से ये जो ऊपर वाला कार्ड है ये कोई दूसरा है, तो इसको लेकर के ऑडियंस की तरफ से ये गेंद का दुक्की है लेकिन ये कार्ड दूसरा है, इसको लेकर के बीच में इसे रख दीजिए जहाँ से उठाया था, और इसको फिर से पिंगी के सपोर्ट में कट करके रखना है, और एक बार इस तरह से मारना है खाली। जब दूसरे बार ऐसा मारते हो तो ऊपर वाला कार्ड को इस उंगली से ऐसा नोच करके नीचे कर देना है ऐसे।